जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीसीए कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीसीए करने के बाद में कैरियर हमारा किस तरीके से रहने वाला है। बीसीए करने के बाद में आपके पास गवर्नमेंट जॉब में क्या ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में आपको कहां कहां जॉब मिल सकती है, बीसीए करने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, और बीसीए हमें कहां से करना चाहिए, किस कॉलेज से नहीं करना चाहिए, और हमारे पास बीसीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको, यदि आप भी जानना चाहते हैं बीसीए के बारे में, तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं बीसीए के बारे में। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आप सभी जानते होंगे, हमारा ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, जिसको हम रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में कर सकते हैं। यानी कि रेगुलर में भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं, दोनों ही मोड में हम कर सकते हैं। और ये जो हमारा कोर्स होता है, ये सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। यानी कि 3 साल का कोर्स है, तो सेमेस्टर मोड में होगा तो हमारे 6 सेमेस्टर इसमें कराए जाते हैं। इसमें ज्यादातर जो कोर्स है आपका 60% कोर्स जो होता है प्रैक्टिकल कोर्स होता है। यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। यदि हम इसकी बात करें, सिलेबस की बात करें, तो बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें जो आपको सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। यानी कि कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कैसे आपको हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन बनानी है, कैसे आपको वेबसाइट बनानी है, कैसे आपको मोबाइल की ऐप बनानी है, ये सब सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ आपका जो मैथ भी पढ़ाया जाता है आपको, मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो मैथ भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं वो आपके कंप्यूटर के ही इसमें होते हैं। तो ये तो हो गया इसका सिलेबस की बात। अब इसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसको करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो साथियों, बीसीए के लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th किया हुआ हो, 12th में आपके पास चाहे वो फिजिक्स हो, यानी कि आपके पास पीसीएम हो, पीसीबी हो, कॉमर्स हो, आर्ट साइड हो, कोई भी हो, तो आपका एडमिशन इसमें हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें आपके पास 10th में मैथ होना कंपलसरी होता है। यानी कि यदि आपके पास 10th में मैथ नहीं है तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि फिर बीसीए आप नहीं कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी फिर भी अलाउ कर देती है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो बीसीए के लिए जो मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि 10th में मैथ होना आपके पास कंपलसरी है, 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया है, आर्ट से किया है, फिर आपने बायोलॉजी से किया है, या फिर आपने पीसीएम से किया है, तो वो आपको मैटर नहीं करता है। अब बात करें परसेंटेज की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको 45% आपका होना चाहिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज में 40% में भी बीसीए कराया जाता है। तो ये इसका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बात करते हैं कि इस कोर्स को हमें कहां से करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। साथियों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, जो कि हर साल सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो यदि आप भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं सक्षम स्कॉलरशिप के लिए। ये स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट से अलग मिलती है, जो कि किसकी तरफ से दी जाती है, सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दी जाती है। तो इसके लिए आपको कोई भी शुल्क, यानी कि रजिस्ट्रेशन का किसी भी तरीके कोई शुल्क नहीं देना होता है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, यदि आप एलिजिबल नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है, कुछ भी परसेंट आपको मिल जाए, यानी कि 10%, 5%, 20%, जितने भी आपको परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाए, वो आपके जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, आगे बात करते हैं कि भाई आपको इसको कहां से करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए। साथियों, बीसीए जो है आपका, बीसीए मैंने आपको बताया कि 60% प्रैक्टिकली कोर्स है, यानी कि इसमें सब सारी चीजें क्या सिखाई जाती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सिखाई जाती हैं। यानी कि कंप्यूटर में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हो गया, नेटवर्किंग के बारे में हो गया। यदि हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसमें लिमिटेड सिलेबस है। क्या है? लिमिटेड सिलेबस है। तो आपको जो बीसीए करना चाहिए वहां से करना चाहिए जहां पर कुछ वैल्यू एडेड कोर्स हो, यानी कि साथ में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हो, जैसे आपका प्रोग्रामिंग के कोर्स है एनआईटी से, एनआईआईटी से, या आपका कहीं से भी कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स बीसीए के साथ में आपको कराए जाएं, या फिर वो अपने ही आपको जो कोर्स से अलग,
जो चीजें सिखाई जाएं कि मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनती है जो कि बीसीए के सिलेबस में नहीं है, आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे बनती है वो तो आपके आ जाता है, लेकिन वो भी वैल्यू एडिशन की किस किस आपके फॉर्मेट पे आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप बीसीए वहीं से करें जहां पर आपके वैल्यू एडिट कोर्स हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल बीसीए आप कर ले रहे हैं, बीसीए करने के बाद में अब वो डिपेंड करता है जब आप आगे इंडस्ट्री में जाते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको क्या क्या करना आता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब नॉलेज की जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिकली और साथ के साथ वैल्यू एडिट कोर्सेज, यानी कि जो आज की डेट में इंडस्ट्री को जिस चीज की जरूरत है वो आपको आना चाहिए, जिससे आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सके। यदि आप नॉर्मल से करते हैं तो नॉर्मल बीसीए करते हैं तो जॉब आपको तब भी मिलती है, लेकिन एक उसकी जो सैलरी होगी वो एक लिमिटेड होगी। तो अब साथियों आप समझ गए होंगे कि बीसीए आपको कहां से करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि बीसीए करने के बाद में आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं। साथियों बीसीए जब आप अपने कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हो जाते हैं ग्रेजुएट। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट के, वो सब फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, किसी का भी फॉर्म हो वो आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप हो जाते हैं ग्रेजुएट। उसके बाद में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीसीए वाले बच्चे और बीटेक सीएस वाले बच्चे ही फिल कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस में भी है, आपका इंडियन आर्मी में भी है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकलती है, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निकलती है। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ किसका, या तो आपने बीसीए किया हुआ हो या फिर आपने बीटेक सीएस से किया हुआ हो, तो वो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आप फिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में भी काफी अच्छा खासा इसमें स्कोप है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में यदि हम बात करें तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल है वो है आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इसलिए है कि ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कंप्यूटर। सब सारी चीजें आज की डेट में किस पर डिपेंड करती हैं, कंप्यूटर पर डिपेंड करती हैं। आप कोई भी चीज आप ले लीजिए, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी चीज आप कर रहे हैं, वो सब क्या है, कंप्यूटर की ही देन है। और उन सब सारी चीजों को कौन कर रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, चाहे वो आपका बीटेक वाले हो, चाहे वो आपका बीसीए वाले बच्चे हो, चाहे वो आपका डिजिटल मीडिया हो। तो ये सब सारी चीजें किसके थ्रू है, वो है सब सारी चीजें आपका कंप्यूटर साइंस की देन है। तो इसलिए इसमें वैकेंसी इतनी है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और आने वाला टाइम आपको पता है, रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और जो टेक्नोलॉजी है वो सब किससे जुड़ी हुई है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। तो इसलिए इसका कभी भी स्कोप कम होने वाला नहीं है। और साथ के साथ यदि आपको इसमें कोई जॉब नहीं मिलती है तो आप इसमें अपना भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी इसमें शुरुआत कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ भी, आप यदि आपको टीचिंग करना है तो भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको करना है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो आप डिजिटल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको कंप्यूटर की जो कंप्यूटर आपने किया है, बीसीए आपने किया है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, तो ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। फीस की यदि हम बात करेंगे इसके लिए फीस कितनी लगती है, तो फीस जो है वो अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वो अलग अलग होती है। जो मिनिमम फीस है वो 30,000 रुपए से लेकर, और आपकी जो मैक्सिमम फीस है आपकी 1,00,000 रुपए पर ईयर तक आपकी होती है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।